हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा स्नैक लेके आई हूँ, साबुदाना वड़ा या पकौड़ी, जो कि हम व्रत में भी खाते हैं और वैसे भी बना के खा सकते हैं। उसके लिए हमने 3 से 4 आलू ले लिए हैं, जो कि हमने मैश कर लिए हैं। और ये देखिए, हमने अच्छी तरीके से मैश कर लिया है। अब इसके लिए हमें दूसरे इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है, जो कि है साबुदाना। ये देखिए, मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दिया था और ये इतना अच्छा सा फूल गया है। इसको भी इसी मिक्सचर में हम डाल देंगे, इसी पेस्ट में डाल देंगे हम, और आपस में मिला के ये अच्छा सा पेस्ट तैयार कर देंगे। तो इसको हाथों से ही मिलाइएगा, चाहे तो आप कोई चम्मच से भी मिला सकते हैं, बट हाथों से मिलाएंगे तो ये आपस में अच्छी तरह से मिल जाएगा, क्योंकि फिर ये साबुदाना भागता नहीं है। ये देखिए, ये अच्छा सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। अभी हमें 3-4 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। एक साबुदाना हो गया, एक आलू हो गया जिनका मिक्सचर बना के हमने रख दिया है। अब हमें थोड़े से मूंगफली के दाने चाहिए। थोड़ा सा ऑयल हमने डाल दिया है कढ़ाई में और हम अब रोस्ट करेंगे अपने 100 ग्राम मूंगफली के दाने। करीब ये 100 ग्राम मूंगफली के दाने होंगे, जो कि हमने 4 से 5 लोगों के लिए हमें ये पकौड़ियाँ या बड़ा बनाने के तैयार करना है। इसको हमें हल्का हल्का रोस्ट कर लेना है। ये देखिए कैसे मैं रोस्ट कर रही हूँ, इसी तरीके से इसको रोस्ट कर लीजिए आप। और फिर उसके बाद हमें दूसरी इंग्रेडिएंट की रिक्वायरमेंट है, वो है काली मिर्च, जिसको हमने दरदरा कूट लिया है। दरदरा कूटने से जो है ये हमें पता चलेगा अपने बैटर में। और ये देखिए, ये ऑलमोस्ट अब रोस्ट हो गए हैं। अब रोस्ट हो गए हैं, इसको आप निकाल के एक प्लेट में रख लीजिए और उसके बाद जो है इनको भी आप कूट लीजिए कुटनी में। जैसे कि देखिए, मैंने कर लिया है, ये आपस में कूट लिया है। तो ये सारे के सारे आपके जो है आपको कूट के रख लेने हैं। अब इनका हल्का हल्का सा छिलका आप निकाल दीजिए, और चाहे तो छिलका बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रोटीन होता है। अब ये पूरा का पूरा जो है हमें डाल देना है अपने आलू और साबुदाना के मिक्सचर में। ये देखिए, ये रोस्टेड हमने कूट के रखे थे, ये हम डाल दे रहे हैं अपने मिक्सचर में, आप देख सकते हैं। और जो हमने काली मिर्च कूट के रखी थी, हम वो भी इसमें डाल देंगे। एक बार पहले इसको हम मिला लेंगे, और मिलाने के बाद जो है, ये देखिए कैसे मैं मिला रही हूँ, अब इसमें काली मिर्च भी डाल देंगे। काली मिर्च के बाद हमें चौथा इंग्रेडिएंट जो चाहिए होता है, वो है नमक, जो कि मैंने सेंधा नमक यूज़ किया है, क्योंकि मैं ये व्रत के लिए बना रही हूँ, सोमवार के व्रत के लिए। तो मैंने इसमें जो है थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दिया है अपने स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। और इसे आपस में अच्छी तरीके से, खूब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब आप देखिए, इसमें दरदरे मूंगफली के दाने भी दिख रहे हैं। अब इसकी आप लोइयाँ, एक पेड़े काट लीजिए, पेड़े आप अपने हिसाब से काट लीजिए। आपको बड़े चाहिए तो बड़े, मीडियम तो मीडियम, या छोटे चाहिए तो आप छोटे काट लीजिए। मैंने थोड़े से मीडियम साइज़ के काट लिए हैं। और देखिए, अब इसका जो है, हमें जो है एक लोइयाँ बना के, या आपको जो है बेल बेल पेड़े बना के रखने होंगे। कढ़ाई में हमने घी भी लगा दिया और हमने देखिए कितने अच्छे पेड़े बना लिए। तो आप हल्के से घी की मदद से जो है हाथ में घी लगा के आप इसके पेड़े बनाएंगे, तो ये हाथ में चिपकेगा भी नहीं। और ये से अब अच्छी तरीके से एक साइड से सिक जाने दीजिए, एक साइड से कम 10 मिनट तक सेकिएगा, जिससे ये आपस में चिपके नहीं। क्योंकि ये क्या होता है कि साबुदाना का जो वड़ा होता है, ये आपस में चिपकने लगता है। ये टेस्टी इतना लगता है खाने में, बट ये थोड़ा सा चिपकता है कढ़ाई में बनाते समय, और खाने में तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप एक की जगह जाने कितने खा जाएंगे। तो चाहे तो ये आप व्रत में बनाइए, या आप कभी भी चाय के संग खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए, हमारे सारे के सारे बड़े सिक गए हैं, और बहुत जल्दी बन जाता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ। आपने खुद देखा, मैंने 4 से 5 इंग्रेडिएंट लिए थे, जिसमें आलू, साबुदाना, मूंगफली का दाना, काली मिर्च, नमक और कुटे हुए मूंगफली के दाने थे। ये सब के सब जब ऐसे ही सिक जाएंगे अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट में, तो आप एक प्लेट में इनको सर्व कर लीजिए। ये देखिए, जैसे कि मैंने प्लेट में निकाले, कितने सुंदर दिख रहे हैं, एकदम गोल्डन ब्राउन जैसे। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।